नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज पहले बात इंडिया लीक्स की। चुनाव आयोग की तारीख लीक हो जाती है, डेटा लीक हो जाता है, सीबीएसई की परीक्षा के सवाल लीक हो जाते हैं, सीईसी से सीबीएसई तक लीक ही लीक, लीकमय भारत बन गया है। देश भर के 16,40,000 बच्चे सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा देकर आज जब घर पहुंचे, इम्तहान खत्म होने के बाद पार्टी की तैयारी कर रहे थे, तभी इम्तहान रद्द होने की खबर ने उन्हें कंपा दिया। 28 मार्च को गणित के पर्चे के साथ परीक्षा समाप्त होनी थी, लेकिन इस फैसले ने लाखों माँ बाप और बच्चों को झकझोर दिया है। 3 महीने से अपनी नौकरी सीरीज के दौरान एक ही सवाल कर रहा हूँ, क्या भारत के नौजवान को ईमानदार परीक्षा व्यवस्था मिलेगी? जब प्रधानमंत्री ने तनाव दूर करने के लिए किताब लिखी, तब भी कहा था कि परीक्षार्थियों के तनाव का कारण परीक्षा नहीं है, परीक्षा व्यवस्था है। ना तो बिना चोरी के कोई इम्तहान होता है, ना ही बिना धांधली के रिजल्ट आता है। अगर परीक्षा का सिस्टम ठीक कर दिया जाए तो तनाव नहीं होगा। फिर प्रधानमंत्री को अपना कीमती वक्त निकालकर तनाव दूर करने की किताब लिखने में समय नहीं लगाना पड़ेगा। आज ही एक नौजवान ने बीआर अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से पत्र लिखा है कि कई हजार छात्रों का रिजल्ट 1 साल से यूनिवर्सिटी के कारण लटका हुआ है। उस बिहार में जहां नेता नौजवानों को दंगों की तरफ हांकने में लगे हैं, हमारी नौकरी और परीक्षा सीरीज का यह सवाल मूल सवाल है कि तय कीजिए कि बच्चे को दंगाई बनाना है या डॉक्टर बनाना है। सीबीएसई को 10वीं की गणित की परीक्षा और 12वीं की अर्थशास्त्र की परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। कल से माँ बाप परेशान थे, कह रहे थे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गणित का पर्चा घूम रहा है, क्या ये सही है? हम उन्हें जवाब दे रहे थे कि परीक्षा से पहले हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये वही प्रश्न पत्र है। शायद माँ बाप सही निकले, सीबीएसई को यह फैसला लेना पड़ा कि 10वीं की परीक्षा रद्द की जाती है। इसी के दौरान लाखों माँ बाप ने बच्चों को झकझोर दिया। 3 महीने से अपनी नौकरी सीरीज के दौरान एक ही सवाल आपसे कर रहा हूँ कि क्या हम भारत के छात्र, जितने भी छात्र हैं, वो एक ईमानदार परीक्षा व्यवस्था डिजर्व नहीं करते हैं? क्या हमें ये व्यवस्था मिलेगी? जब प्रधानमंत्री ने तनाव दूर करने के लिए एक किताब लिखी, तब भी कहा था कि परीक्षार्थी, तब मैंने ही कहा था कि परीक्षार्थियों के तनाव का कारण परीक्षा नहीं है, परीक्षा व्यवस्था है। ना तो बिना चोरी के कोई इम्तहान होते हैं, ना बिना धांधली के रिजल्ट आते हैं। अगर परीक्षा का सिस्टम ठीक कर दिया जाए तो तनाव नहीं होगा। फिर प्रधानमंत्री को अपना महत्वपूर्ण समय तनाव दूर करने की किताब लिखने में नहीं लगाना पड़ेगा। आज ही एक नौजवान ने अंबेडकर यूनिवर्सिटी बिहार से पत्र लिखा है कि कई हजार छात्रों का रिजल्ट 1 साल से यूनिवर्सिटी के कारण अटका हुआ है। उस बिहार में जहां नेता इस वक्त नौजवानों को बड़ी संख्या में दंगों की तरफ हांकने में लगे हैं, हमारी नौकरी और परीक्षा सीरीज का यह मूल सवाल है कि तय कीजिए इसी वक्त कि बच्चों को दंगाई बनाना है या डॉक्टर बनाना है। सीबीएसई को 10वीं की गणित की परीक्षा और 12वीं की अर्थशास्त्र की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। कल से माँ बाप परेशान थे, कह रहे थे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गणित का पर्चा घूम रहा है, क्या सही है? हमारा जवाब था कि हम शायद ये तय करने के लिए परीक्षा से पहले योग्य नहीं है, हमें उतनी क्षमता नहीं है। शायद वे सही निकले। अब वो सीबीएसई को यह फैसला लेना पड़ा है कि 10वीं की परीक्षा रद्द की जाती है। गणित का पेपर वैसे ही तनाव पैदा करता है, बेचैनियां पैदा करता है, कई छात्र इसके तनाव को हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए इसकी परीक्षा अंत में रखी जाती है ताकि इसके असर से बाकी परीक्षाएं खराब ना हो जाए। माता पिता कोर्ट में जाने की सोच रहे हैं, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, होना जाना कुछ है नहीं, कुछ करते रहेंगे। लाखों घरों में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा की एक रिपोर्ट छपी थी, एनसीईआरटी ने एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे कराया, देश भर के 700 जिलों में 22 लाख छात्रों का सर्वे हुआ। 3री से 8वीं कक्षा के छात्रों के गणित के सवाल देने की क्षमता में भारी गिरावट आई है। आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के बोर्ड में गणित का रिजल्ट देखिए, फेल होने वालों का प्रतिशत देखिए, पता चलेगा कि इस एक विषय की परीक्षा और पढ़ाई ने इसको कितना तनावपूर्ण बना दिया। ऐसे में अगर प्रश्न पत्र लीक होने लगेंगे, व्हाट्सएप हाथ से लिखा हुआ प्रश्न पत्र घूमने लगेगा, तब आप सोचिए कि पिछले 2 दिनों में माँ बाप और बच्चों पर क्या बीती होगी। हमें नहीं लगता कि ये री एग्जाम वापस होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि री एग्जाम हो तो फिर क्या पता पेपर हार्ड आए, इजी आए, कैसी तैयारी हो, कैसे क्वेश्चन हो, क्या पता कि पेपर हार्ड दे दिया जाए, एक लेवल एक्स्ट्रा दे दिया जाए उस पेपर में, तो क्या हम बच्चों का तो फ्यूचर इसी पे डिसाइड होता है। जब मेरे को पता चला कि मेरा मैथ्स रीटेस्ट होगा क्योंकि पेपर लीक हो चुका है,
तब मेरे को बहुत सदमा पड़ा और उस सदमे से मैं बहुत निराश हूँ। मेरे को बहुत गुस्सा आया था जब मेरे को पता चला कि री एग्ज़ाम हो रहा है, इसीलिए मैंने सारे किताब फेंक चुका हूँ और मैं वापस किताब नहीं लेने आना, मैं पढ़ने भी नहीं वाला, तो बस हो गया। और फिर किसी और की वजह से हमें अपने एग्जाम्स फिर से देने पड़ेंगे, जैसे सोना डन, जस्ट बिकॉज कुछ बच्चे डिसऑनेस्ट है, हम ऑनेस्ट है, हमारी गलती इसमें नहीं थी कि अब हम फिर से अपने पेपर से। फैकल्टी है जो जिसने भी पेपर लीक किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। साल भर से अपना पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। बच्चों को उसका भुगतना पड़ेगा, लेकिन गलती बच्चों की थोड़ी है, ये तो सिस्टम की फॉल्ट हुई है। जो गवर्नमेंट है उसको इतना सिक्योर रखना चाहिए अपना रीजन कि जो भी पेपर बना रहे हैं वो लीक ना हो। इलेक्शन का डेट लीक हो जाता है, इलेक्शन के अनाउंसमेंट से पहले डेटा लीक हो जाता है, अब परीक्षा के प्रश्न पत्र तो रोजाना हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं लीक हो रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे दुबई से लेकर बाहर के भी जो छात्र हैं झारखंड बिहार से भी ईमेल कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जो तनाव से गुजरेगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मेरे मोबाइल पर महाराष्ट्र के जलगांव से एक नंबर बार बार फ्लैश कर रहा था, हमने उठाया तो उधर से एक 10वीं क्लास की लड़की की आवाज़ आई। उस आवाज़ में गुस्सा भी था, मायूसी भी थी। उसके अपने सवाल थे तो हमने कहा कि वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दो, आप देखिए कि अभी अभी आपने महानगरों के बच्चों को सुना और आप देखिए कि जलगांव से उस लड़की ने किस आत्मविश्वास से भविष्य के नागरिक की तरह सवाल कर रही है। वो आज ही मैंने मैथ्स 10 सीबीएसई का पेपर दिया, घर पे आके पता हुआ कि आज 10 सीबीएसई का पेपर जो हमने दिया वो रिकंडक्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो गया था। अब पेपर लीक हो गया तो इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने इतना हार्डवर्क किया, हमने इतनी मेहनत से, इतने एक साल की मेहनत नहीं है, एक या दो महीने की मेहनत नहीं है, एक साल की मेहनत के बाद आज जो पेपर दिया वो हमें फिर से देना पड़ेगा रिकंडक्ट। व्हाई? पेपर लीक हुआ है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट एंड वी डोंट हैव एनी राइट टू सफर फ्रॉम दिस एक्ट। जब इलेक्शंस होते हैं तब रिकाउंटिंग होती है, रीवोटिंग में, रीवोटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, लेकिन आज जब पेपर लीक हुए हैं तब रिकंडक्ट हो रहा है। व्हाई? इलेक्शंस अगर इतने इंपॉर्टेंट है तो हम बच्चों का भविष्य भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कायदे से पहले डेट अनाउंस करने से पहले सीबीएसई के चेयरमैन को सैक कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बात की, ऐसा सूत्रों का कहना है। देश भर में परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, उनकी चिंता को कोई संबोधित नहीं करता, मगर यहां मामला उस मिडिल क्लास का है, उन सीबीएसई स्कूलों का है, इसलिए प्रधानमंत्री की सक्रियता भी उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री जी हमेशा परीक्षा चिंतनाव मुक्त कैसे दे इसके बारे में उन्होंने परीक्षा पे चर्चा लोगों से की थी और वो उनका बहुत अहम विषय उनके मन का रहता है, तो मैं आश्वस्त करना चाहूंगा ना आगे लीक होगा, और ये भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनको और तकलीफ नहीं होगी। यानी आज जब गणित का पेपर देखा तो छात्रों की रिएक्शन थी कि बहुत अच्छा पेपर है, और अच्छा पेपर है तो अब नया आएगा तो क्या होगा, तो ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो डिफिकल्टीज लेवल होते हैं तो वैसे ही वो रहेगा, उन पर किसी पर अन्याय नहीं होगा। प्रकाश जावड़ेकर भरोसा दे रहे हैं कि अब प्रश्न पत्र लीक नहीं होंगे। शायद उन्हें नहीं मालूम है कि देश में कहां कहां किन किन परीक्षाओं में प्रश्न पत्र नियमित रूप से लीक हो रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी प्रश्न पत्र लीक होने से नाराज हैं। बिहार में दारोगा की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर कई जगह छात्रों ने प्रदर्शन किया, उसे लेकर कोई नाराज नहीं है। राजस्थान में राजस्थान की पुलिस सिपाही की भर्ती परीक्षा में धांधली नहीं रोक पाई, परीक्षा रद्द करनी पड़ी, कोई नाराज नहीं है। मध्य प्रदेश में पीएससी लोक सेवा आयोग की जब परीक्षा हुई वहां पर तो कई प्रश्न पत्र गड़बड़ हुए, छात्रों ने शिकायत की तो उनसे पैसे मांगे जाने लगे, अब हाईकोर्ट का स्टे आया है, कोई नाराज नहीं है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर और लिपि की परीक्षा का आयोजन किया, एक जिले में कुछ प्रश्नों की गड़बड़ी के कारण लाखों नौजवानों की उम्मीद पर पानी फेर दिया गया, कोई नाराज नहीं है, इसकी सूचना हमारे पास नहीं है। मगर इसकी है कि साधारण परिवारों के ये नौजवान भीतर से टूट गए हैं। कई परीक्षाओं के रिजल्ट 2 से 3 साल में नहीं आते हैं, उसे लेकर आज तक मैंने किसी को नाराज नहीं देखा। छपरा में जेपी यूनिवर्सिटी और बिहार, अभी जेपी का कोई आ जाएगा कोई कार्यक्रम तो देखिए कैसे नेता जमा हो जाएंगे वहां पर। बिहार यूनिवर्सिटी में लाखों छात्रों के 3 साल बीत गए, 3 साल का बीए 5 से 7 साल में हो रहा है, ना प्रधानमंत्री नाराज हो रहे हैं ना बिहार के मुख्यमंत्री नाराज हो रहे हैं। बीआर अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में 2017 के साल में
किसी भी विषय की परीक्षा नहीं हुई, कोई नाराज नहीं हो रहा है, लेकिन वहां दंगा हो रहा है। नौजवानों को हांका जा रहा है कि चलो तुम दंगाई बनो, डॉक्टर बाद में बनना। इसलिए नाराजगी की खबरों से बेहतर है कि हम इन परीक्षा व्यवस्था को ठीक से समझें, देखें, जिसे लेकर पिछले 3 महीने से सारा विषय छोड़कर नौकरी सीरीज और परीक्षा सीरीज कर रहा हूं, मगर उससे भी कोई नाराज नहीं हुआ। बिहार में लाखों छात्रों का जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, मगर वहां क्या हो रहा पता कीजिए। औरंगाबाद, समस्तीपुर, रोसड़ा, भागलपुर, कहीं भी पता कीजिए। इसीलिए कहता हूं कि इससे पहले कि अगला चुनाव इन्हीं दंगों और हमलों से निकले मुद्दे पर होने लगे, पहले तय कर लीजिए बच्चों को दंगाई बनाना है कि डॉक्टर बनाना है। डॉक्टर बनाना है तो पूछिए कि हर जगह परीक्षा में चोरी क्यों हो रही है, ना भोपाल में, ना पटना में, ना दिल्ली में, कहीं भी ईमानदार परीक्षा व्यवस्था नहीं है। आपने दिल्ली में हाल में पिछले दिनों में देखा जब SSC के छात्र परीक्षा व्यवस्था में धांधली को लेकर कई दिनों तक दिल्ली में धरने पर बैठे रहे। इनके धरने को राजनीतिक जरिए से तोड़ने का प्रयास हुआ, कभी कोचिंग माफिया का हाथ बताया गया तो कभी कुछ और कहा गया, मगर ये छात्र सिर्फ इतना कह रहे थे कि ईमानदार परीक्षा व्यवस्था दो, SSC की परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है उसकी जांच CBI से कराओ, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराओ। इनकी बात पर SSC ने भी ध्यान नहीं दिया, मगर बाद में जब आंदोलन तेज हुआ तो कुछ परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। अब ये छात्र फिर से 31 मार्च को दिल्ली आ रहे हैं, तब आप TV खोलकर देखिएगा कि इनकी मांग पर कौन सा चैनल ध्यान देता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में धांधली होने और उसके बाद आंदोलन से ही CBSE को सतर्क हो जाना चाहिए था। SSC ने भी पहले ध्यान नहीं दिया, मगर बाद में माना कि लीक हो सकती है, हुई होगी, और 21 फरवरी की परीक्षा को रद्द करना पड़ा। छात्र मांग कर रहे हैं, तब प्रकाश जावड़ेकर जी ने बयान नहीं दिया कि हम आगे लीक नहीं होने देंगे। छात्र मांग कर रहे हैं कि दोबारा से अगर लीक होगी तो आज ही दिल्ली से खबर है कि दिल्ली पुलिस ने SSC मांग कर रहे हैं छात्र की दोबारा से सारी परीक्षाओं को कराया जाए। आज दिल्ली पुलिस ने SSC की लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा पेपर लीक मामले में 4 लोगों को अरेस्ट किया है। उनके पास से 51 लाख नगद, कहा जाता है भ्रष्टाचार बंद हो गया है, कैशलेस इकोनॉमी हो गई है, 51 लाख नगद, 3 लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन, बहुत सारे पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस और UPSTF ने मिलकर यह ऑपरेशन किया है। मंगलवार यानी 28 फरवरी को जब हजारों छात्र ऑनलाइन परीक्षा दे रहे थे, ये CCTV फुटेज है, तभी UPSTF की सूचना पर दिल्ली पुलिस ने उनके साथ गांधी विहार में छापेमारी की। ये लोग ऑनलाइन पेपर का समाधान कर रहे थे, ऑनलाइन परीक्षा भी चोरी से मुक्त नहीं है। इसके लिए कई फ्लैट इन्होंने गांधी विहार में किराए पर लिए, ये घर भी उन्हीं में से एक है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की यह रिपोर्ट का यह हिस्सा है। मुकेश सिंह सेंगर का कहना है कि गांधी विहार में करीब 15 कंप्यूटर लैब बना रखे थे इन लोगों ने, यहीं से ऑनलाइन सवालों का जवाब तैयार किया गया। एक एक छात्र से 15 लाख रुपए लेकर ये नौकरियों में पास करा रहे हैं। भ्रष्टाचार का इस तरह से पीछे से खेल चल रहा है, आपको TV पर नेता हिंदू मुस्लिम दिखा रहा है। सतर्क हो जाइए, मैं बता रहा हूं, सावधान कर रहा हूं समय से पहले। पुलिस के मुताबिक ये लोग 180 छात्रों के पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अब अगर आप 15 लाख से गुना कीजिए तो रकम होती है 27 करोड़। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल होंगे? ये लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर सांठगांठ करके वहां से रिमोट एक्सेस के जरिए पेपर को अपने पास एप्लीकेशंस के माध्यम से एक्सेस करते थे और उसके बाद उन पेपर्स को सॉल्व करके उन कैंडिडेट्स को जिनके साथ इनकी सांठगांठ होती थी उनको मदद करते थे। इस संबंध में इन 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक SSC ने परीक्षाओं का टेंडर सिफी नाम की कंपनी को दिया हुआ है, इसके भी कर्मचारी खेल में शामिल हो सकते हैं। तो क्या छात्रों की मांग में दम नहीं था कि SSC की परीक्षा में धांधली हो रही है, चोरी हो रही है? आज ही अखबारों में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान वेबसाइट पर हमने देखा, उन्होंने लोकसभा में लिखित रूप से दिया है कि SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2017 की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि उसमें चोरी नहीं हुई, धांधली नहीं हुई। या दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि ऑनलाइन परीक्षा में चोरी कराने को लेकर 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मंत्री जी कुछ और बोल रहे हैं, इधर कुछ और खबर आ रही है, तो आप देख सकते हैं। SSC के समस्त एग्जाम्स की निष्पक्ष CBI जांच हो और टाइम बाउंडेड जांच हो, इसके लिए हमने राजनाथ सिंह जी को संपर्क किया था। प्रधानमंत्री ऑफिस में कार्य हमने बहुत सारे पत्र लिखे, उनको ट्वीट किया, उनकी तरफ से हमें कोई खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। DOPT मिनिस्टर जी से अपील करता हूं, ये मामला देश हित का मामला है, अगर इस मामले पे ध्यान नहीं दिया गया, त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, तो ये भ्रष्टाचार के रूप में बढ़ावा होगा।
1 अगस्त 2017 को हमने पूरा प्राइम टाइम किया था, जब न्यूज चैनल हिंदू मुस्लिम डिबेट दिखाकर आपको बच्चों को दंगाई बनाने के प्रोजेक्ट में शामिल थे। अभी आपने देखा होगा कि कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, चैनल के लोग पैसे लेकर हिंदू मुस्लिम डिबेट खड़ा कर रहे हैं। सही पूछिए तो प्रश्न पत्रों के लीक होने के मामले में दिल्ली पुलिस अच्छा काम कर रही है। पिछले साल से हम इस मामले में दिल्ली पुलिस की कामयाबी को ट्रैक कर रहे हैं। आपको पता होगा कि कई प्राइवेट कंपनियां जिनकी संख्या दर्जन से ज्यादा है अब पैसे लेकर परीक्षा का आयोजन करा रही हैं, यह धंधा बन चुका है। ऐसी एक कंपनी को ठेका मिला था नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट, जो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा आयोजित करती है। यह अमेरिका की कंपनी है। इसने दिल्ली पुलिस से माना कि परीक्षा के सिस्टम को कोई भी हैक कर सकता है। तब भी हमने सवाल उठाया गया, क्या हम मेडिकल के छात्रों के लिए एक ईमानदार परीक्षा व्यवस्था नहीं बना सकते? दिल्ली पुलिस ने बहुत मेहनत से चार्जशीट तैयार की है। नोएडा चंडीगढ़ में छापे मारे, इसमें भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, सेम तरीका। मगर अफसोस, बाकी पुलिस ऐसा काम नहीं कर सकी। इस मामले में मध्य प्रदेश में हुए मेडिकल परीक्षा प्रवेश परीक्षा की धांधली के मामले में केस लड़ने वाले आनंद राय ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। ये एक और बात, सरकार खुद ऐसे मामले में छात्रों की तरफ से केस नहीं लड़ती, किसी आनंद राय को सामने आना पड़ता है। आज तक चोरी हो रही है अलग अलग परीक्षाओं में, जबकि मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले का विभत्स स्वरूप हम देख चुके हैं। 592 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर है, 200 के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। इस जांच को भी धीमा किए जाने की रिपोर्ट आप दिवायर हिंदी के वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। ये सब होने के बाद भी आज तक हर जगह धड़ल्ले से व्यापम हो रहा है। कभी आपने सोचा कि जब ये छात्र 12वीं पास करके कॉलेज की तरफ जाएंगे तो वहां क्या करेंगे? कभी आपने राज्यों में कॉलेजों की हालत देखी, अपने जिलों में, राजधानियों में, वहां शिक्षक हैं या नहीं, ये पता किया है? पता कीजिए। स्कूल की पढ़ाई को लेकर आप इतना टेंशन में रहते हैं, आपके बच्चों के लिए नाम मात्र के कॉलेज बचे हैं। नेताओं ने कॉलेजों को बर्बाद किया, पैसा कमाने के लिए अपने नाम पर कॉलेज खोल लिए। आपको यकीन ना हो तो आप राज्य बताइए, वहां आकर मैं दिखा सकता हूं। यूनिवर्सिटी सीरीज में आपने देखा होगा कि कॉलेज के कॉलेज कबाड़ में बदल दिए गए। कुछ कॉलेज बचे हैं, वहां नई समस्याएं दस्तक दे रही हैं। जब आप यह खबर सुनते हैं कि सरकार अब कॉलेजेस से कहेगी कि 100 रुपए में से 70 रुपया तो देंगे, मगर 30 रुपया आप कर्जा लेकर इंतजाम कर ले, क्या आप उसका मतलब समझते हैं कि इसका असर आपकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा? इन्हीं सवालों को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में 1 हफ्ते से छात्र और शिक्षक हड़ताल पर रहे, मगर कहीं कोई चर्चा नहीं। 28 मार्च को फिर से शिक्षक और छात्र हजारों की संख्या में दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं। इनमें दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकतर कॉलेजों के टीचर्स यूनियन और छात्रों का संगठन आईसा, एसएफआई, सीवाईएसएस, केवाईएसएस वगैरह शामिल थे। जामिया मिलिया इस्लामिया के शिक्षक संघ, छात्र जेएनयू के शिक्षक संघ, छात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शिक्षक और छात्र भी इसमें शामिल हुए। मंडी हाउस से लेकर संसद मार्ग तक यह मार्च निकला। इन कॉलेजों के कर्मचारी संगठन ने भी हिस्सा लिया है इसमें। छात्रों और शिक्षकों के लिए आज का दिन बड़ा था। इस मार्च का आह्वान 40 विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था फेडकुटा और उसकी सहयोगी संस्था डूटा ने किया। इनका कहना है कि 27 मार्च को यूजीसी ने साफ किया है कि जिनकी सैलरी यूजीसी और मानव संसाधन मंत्रालय से आती है, जिन्हें 7वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाया गया है, उसे केंद्र सरकार पूरा करेगी। यह जीत तो है, मगर यही बात कर्मचारियों के लिए नहीं कही गई और राज्यों के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए नहीं कही गई, जिसके विरोध को लेकर यह मार्च निकला है। इसमें कई मुद्दे शामिल हैं। शिक्षकों के पेंशन के मामले को लेकर कोई फैसला नहीं हो रहा है। हजारों की संख्या में एडहॉक शिक्षक अपनी नियुक्ति को लेकर इस मार्च में शामिल हुए। स्वायत्तता ऑटोनॉमी का मुद्दा तो था ही। हाल ही में जेएनयू के शिक्षकों और छात्रों ने मानव संसाधन मंत्रालय के ऑटोनॉमी के फैसले के विरोध में जेएनयू से संसद तक का मार्च निकाला था। अभी जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी आ रही है, जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस का स्कीम भेजा गया है, लागू किया जा रहा है, एमओयू भेजा गया है सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, जिसमें वाइस चांसलर को कमिट करने के लिए कहा गया है कि आप स्टूडेंट के फीस से कितना पैसा जुगाड़ करेंगे, डेवलपमेंट चार्जेस में कितना लेंगे, हेफा से हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी से कितना लोन लेंगे। तो जो ग्रांट बेस्ड हायर एजुकेशन है उसको लोन बेस्ड किया जा रहा है, जिससे स्टूडेंट्स के फीस में लाखों रुपया का हाइक होगा। तो आप बताइएगा कि कहाँ गरीब एससी एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन ले पाएंगे? कुल मिला के दो बातें हैं कि जो सामाजिक न्याय के मद्देनजर रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत एडमिशन हुआ करता था, वो इससे सबवर्ट हो रहा है, जिसको 2016 के गाइडलाइंस के आधार पर हमारे वाइस चांसलर साहब ने ऑलरेडी कर लिया है। अभी जो बच्चे लॉकडाउन के साथ बैठे हुए हैं, इसी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिजर्वेशन को सबवर्ट करके, पॉलिसी को सबवर्ट करके, वहाँ ये इस ऑटोनॉमी के गाब में जो नई पद्धति का हैंडल मिल गया है, तो 50% एलिजिबिलिटी का बनाकर उन्होंने
उन्होंने उसको उठाकर सामाजिक न्याय को विध्वस्त कर दिया है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब टीचर्स के भी ग्रेडेड सैलरीज होंगी तो उसमें भी दो एक से ज्यादा मापदंड होंगे और इसलिए टीचर्स के बीच भी विभाजन होगा। कुल मिला के ये विभाजित करने वाला एक केवल तरीका है ताकि कुछ लोग अशिक्षित रह सके, शिक्षा को एक्सेस ना कर सके और बहुत कुछ लोग कर सकेंगे। शिक्षित जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके बीच भी विभाजन और जो पढ़ाने वाले होंगे उनके बीच भी, तो कुल मिला के ये इनइक्वालिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का एक तरीका है। सरकार का फायदा इसमें है कि जो जिस तरह से फंड कट कर रहे हैं ना, जैसे बोला जा रहा था कि कम से कम 6% फंड्स बजट का होना चाहिए जबकि इसको बढ़ा के 10% करना चाहिए था, अब जो उन्होंने अभी 3% भी नहीं दिया है तो उसको और कम कर पाएंगे, यही सरकार का फायदा हो सकता है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आप नेताओं के इतने झूठ कैसे पचा लेते हैं? मेरी यूनिवर्सिटी सीरीज के ndtv.in पर 27 अंक देखिए, खाना हजम नहीं होगा। जितना भाषण रामनवमी के जुलूस को लेकर है उतना भाषण कॉलेजों की खस्ता हालत को लेकर नहीं है। धीरे धीरे उच्च शिक्षा महंगी होगी तो गरीब से लेकर 40-50 हजार कमाने वाले माँ बाप अपने बच्चों को कॉलेज में कैसे भेजेंगे? अव्वल तो राज्य के राज्य में अब एक भी ढंग का कॉलेज नहीं, भारी संख्या में शिक्षक की कमी है। सुशील महापात्रा और अमितेश ने इस रैली में आए छात्रों से जानना चाहा कि वे इनके बीच इन सवालों को कैसे समझते हैं, दूसरे छात्रों के बारे में कैसे समझते हैं। ऑटोनॉमी की वजह से जो भी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं आएंगे, कॉलेज को खुद मीट करने पड़ेंगे। उससे ऑब्वियसली टीचर्स की सैलरी मीट करने के लिए सारे रिसर्च और प्रोजेक्ट्स कैरी ऑन करने के लिए दे विल डिमांड मनी फ्रॉम अस, तो फीस अल्टीमेटली हम स्टूडेंट्स की हाई होगी। अगर ऑटोनॉमी आ गई तो लड़कियों की शिक्षा पे शिक्षा कम हो जाएगी, लड़कियों को शिक्षा को पढ़ाया जाएगा। ऑटोनॉमी के नाम पर हम लोगों को फंड नहीं मिलेगा कॉलेज को। ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स जो 5000 फीस थी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जब 50,000 से 1.5 लाख फीस हो जाएगी हम स्टूडेंट्स की, कोई भी स्टूडेंट्स 80% स्टूडेंट्स कॉलेज अटेंड नहीं कर पाएंगे। ये हमारे हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक स्टेटस और हमारी इकोनॉमिक स्टेटस को बिना देखे इस तरह की फी हाइक हो रही है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हैं, हमको हम खुद सेल्फ फाइनेंस कोर्स करते हैं, हमको कुछ समस्या है अपने इंस्टीट्यूट में, हम लगातार सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमको भी वो सारी सुविधाएं दी जाए जो रेगुलर को दी जाती है। हम क्रांतिकारी युवा संगठन की तरफ से यहाँ पे आए हुए हैं और हम ये डिमांड मांगते हैं कि सभी छात्रों को समान एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन सिस्टम लागू करना चाहिए, दोहरी शिक्षा नीति का खात्मा हो। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कुछ छात्र जो है यहाँ पर आए हैं और दिल्ली आए हैं, आज जो मंडी हाउस से संसद मातो जो मार्च हुई उसमें शामिल हुए हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग इस मार्च में क्यों शामिल हुए हैं? हम लोगों का जो सबसे बड़ा कंसर्न है इस मार्च में शामिल होने का, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा तबका जो छात्र का है वो उत्तर प्रदेश के हो या बिहार के हो, काफ़ी निचले तबके से आते हैं और जिस तरह से सरकार पॉलिसीज लेके आ रही है इसके कवर के अंडर में, जो ऑटोनॉमी के कवर के अंडर में सरकार का ये स्टेप है, ये कहीं ना कहीं एजुकेशन को का एक प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हो चुका है। ये धीरे धीरे करके पहले तो ऑटोनॉमी लाएंगे, फिर फंड कट और उसके बाद खुद फंड जनरेट करने का इनका प्रोपेगेंडा होगा। अच्छा, ये लोग इस कंट्री के अंदर यूथ को सिर्फ और सिर्फ दबाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वो सिर्फ यूथ है और ये लोग यूथ को दबाना चाहते हैं। तो मुझे ये बताइए आपके कॉलेज में और क्या क्या समस्या है? आप ही के ndtv की रिपोर्ट आई थी रवीश जी की, जिसमें साफ कहा गया था कि स्टेट यूनिवर्सिटी जो उसके तो हाल ऑलरेडी बहुत ख़राब है, जो बहुत ही दयनीय है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी अभी भी 60% सीट ही भर्ती हुई है टीचर्स की, उसमें भी बहुत सारा अपॉइंटमेंट अभी खाली है। सरकार ने अभी हाल में एक हलफनामा दाखिल किया है हाई कोर्ट के समक्ष कि जामिया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, जो कि विड्रॉ करने का एक उन्होंने करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सेल्फ फिनांस सीट्स सीट कट इस समस्या जामिया के अंदर भी है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा जामिया के अंदर भी दिया जा रहा है, तो इसके अगेंस्ट हम जामिया में और क्या क्या समस्याएं हैं? सीट कट का बात है, फेलोशिप स्कॉलरशिप का कमी है, स्टूडेंट्स डिसेंटिंग वॉइस को कर्ब करने का कोशिश होता है। अगर आपको महंगी शिक्षा का अब भी मतलब नहीं समझ में आया तो प्लीज ब्रेक के बाद आइएगा, आपको उत्तराखंड ले चलूंगा जहां मेडिकल कॉलेज ने एक साल की फीस 6 लाख से बढ़ाकर 23 लाख कर दी है। क्या आप देश में ऐसी छूट चाहते हैं? क्या क्या बेचेंगे? ईमान, मकान, दुकान या अपनी जान? और क्या आपने पता कर लिया है कि ये कॉलेज हैं किनके? ब्रेक के बाद आइएगा।
गोदी मीडिया के हिंदू मुस्लिम एजेंडा से दूर जो छात्र दंगाई की जगह डॉक्टर बनने का प्रयास कर रहे हैं उन पर फीस की बिजली गिरी है। उत्तराखंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को मनमाने फीस बढ़ाने की छूट दे दी गई। यह स्टोरी बहुत सीरियस है। एक दिन आप भी इसी सिस्टम में गुलाम की तरह फंसेंगे और छटपटा के रह जाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। उत्तराखंड कैबिनेट ने फीस बढ़ाने की छूट दी और उसके बाद जो फीस बढ़ी है उससे छात्रों की सांसें रुक गई हैं। वे ट्विटर पर पारदर्शिता का ढोंग करने वाले ढोंगी नेताओं को ट्वीट कर रहे हैं, मगर उनमें से किसी का जवाब नहीं आ रहा। यह कहानी भयावह है। कैबिनेट के फैसले के बाद वहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने MBBS की जो फीस बढ़ाई है, पहले रेट सुनिए। पहले साल की फीस 6,70,000 से बढ़ाकर 23 लाख कर दी गई है, 23 लाख। दूसरे साल की फीस 7,25,000 से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। तीसरे साल की फीस 7,36,000 से बढ़ाकर 26 लाख कर दी गई है। सोचिए, यही नहीं, जो छात्र दूसरे वर्ष में पहुंच चुके हैं उनसे पहले साल की बकाया राशि ली जाएगी, यानी उन्हें दूसरे साल में 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हमारे सहयोगी दिनेश मानसेरा से हमने पूछा कि क्या ये सभी करोड़पति घरों के छात्र हैं, तो मानसेरा ने कहा कि ये सब नीट की प्रतियोगिता परीक्षा पास करके आते हैं, मध्यम श्रेणी के, और बहुत से छात्र गरीब भी होते हैं, मगर डॉक्टरी के नाम पर एजुकेशन फीस ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं 50 लाख की, मगर फीस 13 लाख की जगह अब 2 साल में 43 लाख की हो जाएगी। ये किसी के लिए भी वज्रपात से कम नहीं। आप मेरी बात सुन सुनकर बोर हो गए होंगे, लेकिन ये बात मैं सोच समझ कर कहता हूं। एक तरफ हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चल रहा है, दूसरी तरफ आप लोगों के सर पर डंडा चल रहा है। सोचिए, छात्रों पर यह समाचार परमाणु बम की तरह फटा होगा। इस फैसले के विरोध में देहरादून में गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज के छात्र और उनके माता पिता पिछले 2 दिनों से कॉलेज के गेट पर धरना दे रहे हैं। वे रात को भी वहीं जमे रहते हैं, इनकी कोई नहीं सुनता, दिन भर व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। इन्होंने लिखा है कि 2 मिनट भी दिखा दीजिए, शायद असर हो जाए। उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री 6 लाख से सीधे 23 लाख फीस करने की इस नाइंसाफी की खबर पर नाराज होंगे और मुख्यमंत्री को फोन करेंगे और कल हम हेडलाइन चलाएंगे। इन छात्रों ने 50 लाख का एजुकेशन लोन लिया, अब उनकी पढ़ाई का खर्चा 1 करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। इन प्राइवेट कॉलेज में अप्रैल महीने में इम्तहान होने हैं, अब ये पढ़ाई छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं। केवल गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज ने ही फीस नहीं बढ़ाई, बल्कि उसके साथ साथ महंत इंद्रिश हॉस्पिटल और अन्य मेडिकल कॉलेज ने भी अपनी फीस बढ़ा दी है। छात्रों का दावा है कि 400% फीस बढ़ी है। सोचिए, 400%, 6 लाख से सीधा 23 लाख। मजाक चल रहा है नौजवानों का। उन कॉलेजों में भी छात्र हड़ताल पर हैं। पिछले साल तक हमारी फीस थी 7,32,000 रुपए, इस साल उन्होंने वो फीस बढ़ा दी है 20 लाख रुपए में। हम लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर की उन्होंने फीस करी है 6,70,000 से 23 लाख रुपए, जो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, कोई उन पे वैलिड रीजन नहीं है। जबकि ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि फीस वृद्धि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, उसके बावजूद भी सरकार और मैनेजमेंट ने साठगांठ कर इस फीस को 20 लाख कर दिया हमारी, जो हम 7,32,000 दे रहे थे, अब 20 लाख सालाना देनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा है कि पिछले 2 साल की भी आप, मतलब 7,32 और 20 लाख में जितना डिफरेंस है वो पिछले 2 साल का भी आप दो, मतलब अब वो चाहते हैं कि हम करीब करीब 50 लाख रुपए इनको 2 महीने में दे दें, जो इम्पॉसिबल है, असंभव है। 2 महीने में छात्रों के लिए 50 लाख रुपए दे देना, मजाक चल रहा है जो नौजवानों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में कहा था कि हर राज्य फीस के लिए शुल्क नियामक समिति बनाए, अध्यक्ष को हाई कोर्ट का कोई जज हो रिटायर्ड। और उत्तराखंड में उस वक्त समिति बनी, मगर उसकी सहमति या अनुमति के बगैर कैबिनेट ने फीस बढ़ाने की छूट दे दी। सरकार का ये निर्णय तुगलकी फरमान है और इससे जो मेडिकल एजुकेशन है उसमें जो योग्यतम गरीब परिवारों के अभ्यर्थी हैं, जो मेरिट होल्डर्स हैं, मेरिट में आने वाले हैं, मेधावी छात्र हैं, उनके हित प्रभावित होंगे, और जो अमीर घराने का कम मेरिट का बच्चा भी है वो एंट्री कर लेगा मेडिकल में डॉक्टर बनने के लिए। तो सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, ये जो बिल पारित किया है उसको वापस लेना चाहिए, और 2006 की जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, फैसला है, उसकी जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप करना चाहिए। और तो और, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने न्यूज़ 18 से बोला, इंटरव्यू दिया है कि मेडिकल कॉलेज के जो हालात हैं उसके हिसाब से 700 से 800 करोड़ का निवेश होता है। सोचिए, फीस कम होने की वजह से उनके खर्चे नहीं निकल रहे हैं, यही वजह है कि मेडिकल क्षेत्र में उत्तराखंड में निवेश नहीं हो रहा, जैसे यही बड़ी भारी बात है। मुख्यमंत्री के इस बयान ने 650 मेडिकल छात्रों को और भी बेचैन और हताश कर दिया।
पंजाब से एक खबर सुनाता हूं, वहां पर शिक्षकों पर क्या गुजर रही है। आप पूछेंगे तो देश के कई राज्यों से शिक्षक हाथ उठाकर कहेंगे, हाँ हम पर भी वही बीत रही है, हमारी भी दिखा दीजिए। ठेके की नौकरी और कम सैलरी ने लोगों के सब्र का इम्तहान लेना शुरू कर दिया है देश भर में। ये तस्वीर आपको कहां दिखी याद कीजिए, मगर इन लोगों को अपनी हालत दिखने लगी है। ये सभी पंजाब सरकार के तहत ठेके पर काम करने वाले टीचर हैं। इनसे कहा जा रहा है कि अगर आप 3 साल तक 10,300 रुपए प्रति माह का वेतन लेंगे तो उसके 3 साल बाद आपको परमानेंट किया जा सकता है। हमारी सरकारें या तो भीतर से खोखली हो चुकी हैं या फिर नौकरियों को लेकर उनकी नीयत बदल गई है और जनता को लेकर उनकी सोच। पंजाब में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 15,000 टीचर हैं। इस वक्त इनकी सैलरी 35 से 40 हजार है, मगर इनसे कहा जा रहा है कि 40,000 छोड़ के आप फिर से 10,300 रुपया 3 साल तक लीजिए, फिर परमानेंट करेंगे। इनके प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने 7,000 शिक्षकों के खिलाफ केस किया है। क्या कभी आपने सुना है 7,000 शिक्षकों के खिलाफ केस? 20 शिक्षकों के साथ का नाम लेकर FIR है, बाकी सबको अनाम के साथ बना दिया गया, बिना नाम का उसमें शामिल कर लिया गया। जो SSC रमसा के कोई 7,000-8,000 टीचर हैं वो इस समय 35,000 से 45,000 पे ले रहे हैं, और जो कंप्यूटर फैकल्टीज हैं वो इनकी गिनती भी इतनी है, वो 45,000 से 50,000 जो पे है वो ले रहे हैं। इन सभी को एजुकेशन डिपार्टमेंट में सरकार लाने के नाम पर ये बोल रही है कि आप को 3 साल जो नेक्स्ट 3 ईयर है उनमें 10,300 रुपी पर काम करना पड़ेगा और इसके बाद आपको फुल पे मिलेगी। ये बात बहुत ही अजीबोगरीब लगती है। ग्रामीण बैंक के कर्मचारी अधिकारी 3 दिन तक हड़ताल पर रहे, धरना ज्ञापन देते रहे। 30,000 रिटायर कर्मचारी रो रहे हैं मजबूरी में कि उन्हें 1,800 रुपया पेंशन मिल रहा है, क्या वो जी सकते हैं? सोचिएगा। ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे नेताओं और विधायकों ने मिलकर बिजली के खजाने से 10,000 करोड़ रुपए उड़ा लिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के दफ्तरों और मंत्रियों विधायकों के ऊपर करीब 10,000 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। सरकार ने घाटे की वजह से जब प्रदेश के 5 शहरों और 7 जिलों की बिजली प्राइवेट कंपनियों को देने का फैसला किया तो कर्मचारियों ने दावा किया कि घाटे की असली वजह तो खुद सरकार है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कर्मचारी आंदोलन पर हैं और 9 अप्रैल से 72 घंटे तक काम बंद करने वाले हैं। बिजली प्राइवेट कंपनी को देने के खिलाफ कर्मचारी सड़कों पे हैं। उनका कहना है कि सरकार जिस घाटे के नाम पे प्राइवेटाइजेशन कर रही है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है जिसने अपना बिल नहीं भरा। बिजली विभाग के आंकड़ों के मुताबिक VIP गेस्ट हाउस पे 2,65,00,000, मल्टी स्टोरी मंत्री आवास पे 1,47,00,000, स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित पे 12,64,000, खेल मंत्री चेतन चौहान पे 17,72,000, बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा पे 6,51,000, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पे 9,28,000, डेप्यूटी CM केशव मौर्य पे 10,80,000, शहरी विकास मंत्री सुरेश खन्ना पे 9,20,000, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना पे 7,83,000 और वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल पे करीब 9,00,000 रुपए बिजली का बिल बाकी है। कर्मचारियों का आरोप है कि निजीकरण पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। 21-22 फरवरी को जब इन्वेस्टर्स की समिट उत्तर प्रदेश में हुई थी तो उस समिट के दौरान बिजली के क्षेत्र में काम करने वाले जो कॉरपोरेट हाउसेज आए थे उच्च अधिकारियों ने बताया उनका नाम लेना उचित नहीं होगा। उन्होंने बताया कि यह सब तभी उनके साथ तय हो गया था, सौदेबाजी तभी हो गई थी। लेकिन बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा का कहना है कि बिजली विभाग 72,000 करोड़ के घाटे में है, किसी भी सरकार ने अपना बिल नहीं दिया जिससे घाटा बढ़ा है। अब बिजली बिल अदा करने को अलग से बजट मिलेगा, सरकारी दफ्तरों में प्रीपेड मीटर लगेंगे, लेकिन विभाग में सुधार के लिए निजीकरण भी जरूरी है। लाइन लॉस को कम करने के लिए इन शहरों में अंडरग्राउंड केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो कंपनी आएंगी वही कंपनी करेंगी,
क्योंकि प्रदेश के पास पैसे की भी कमी है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा बिजली की सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में बढ़ाना चाहते हैं, गरीब के घरों में रोशनी पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास जो भी विकल्प है उन सभी विकल्पों पर काम कर रहे हैं। लेकिन बिजली विभाग के नेता कहते हैं कि आगरा में बिजली निजी हाथ में देने से सरकार को हजारों करोड़ का घाटा हुआ है, ये सीएजी की रिपोर्ट में भी है। निजीकरण से कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, वे इसे लागू नहीं होने देंगे। यूपी में बिजली विभाग बहुत लंबे अरसे से सरकारी उपेक्षा और बहुत तरह की गलत नीतियों का शिकार रहा है, उसे सही करने के लिए कई स्तरों पे बहुत तरह के काम करने होंगे। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।